मैं सच में बता रहा हूँ, आपको बहुत ही अच्छी टेक्निक है, क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया है। ये अभी एक से डेढ़ से 2 मिनट करीब हुआ होगा, 2 मिनट हुआ होगा, आप देख सक रहे हैं भाप निकलना स्टार्ट हो गया है। बहुत ही इंस्टेंट गर्म होता है, आपका 2 से 3 मिनट में पानी नहाने लायक गर्म हो जाएगा, मतलब कि कुनकुना आपका पानी आराम से हो जाएगा, जिसके कारण आप हाथ पैर धो सकते हैं, नहा सकते हैं। बहुत ही इंस्टेंट काम करता है, आप इसको घर में ईजी तरीके से बना सकते हैं। इसमें केवल आपको 20 रुपये का खर्चा है, वायर आपको घर पे ही मिल जाएगा, आप आसानी तरीके से बना सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। बस आपका केवल 5 मिनट लगेगा इसको बनाने में, आराम से बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहेगी। देख सक रहे हैं आप, अभी भाप ये निकल रहे हैं बहुत ही जल्दी, मतलब करीब 2 से 2.5 मिनट अभी हो गया होगा, ये भाप निकल रहे हैं, मतलब कि आपका करीब 4 से 5 मिनट में पानी एकदम आपका एक नंबर का गर्म हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक किसी भी वायर की मदद से बांध देंगे, मैं एक यही वायर की पीस ले लेता हूँ। ये वायर के पीस को यहाँ हम बांध लेते हैं, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप ध्यान से करते जाइए, बस आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको बांध दिया, अब इसको आप धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे ऐसे लपेट लें, ठीक है। इसको लपेटने के बाद फिर अभी एक बार यहाँ पे और बांधना पड़ेगा, आप इसको ऐसे लपेट लें, लपेटने के बाद यहाँ पे इसे और हल्का सा इसको ज़्यादा दूर में ना लपेटे, थोड़ा पास पास ही लपेटे, इतना कि आप अच्छे तरीके से पानी में डूब जाए। इसको ऐसे करके लपेटने के बाद यहाँ पे दोनों साइड अच्छे तरीके से बांध ले। बांधने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका वायर है, ये वायर है, आपको वायर को अच्छे तरीके से दोनों तरफ से छील लेना है। दोनों तरफ से छीलने के बाद दोनों साइड पे ऐसे ऐसे करके बांध देना है, ओके। आप बस देखते जाइए और वीडियो को ध्यान से देखिए, कहीं पे भी वीडियो को छोड़िएगा मत, वरना इसमें दिक्कत हो सकती है। आप इसको इमरजेंसी में यूज़ करें, जब आपके पास पानी गर्म करने वाला हीटर या फिर नहीं है या फिर ख़राब हो गया, उस वक्त पे यूज़ करें इसको। ये अपना ये हो गया, ठीक है, ये अपना रेडी हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, ये रेडी हो गया, आप देख सक रहे हैं ये दो दो जॉइंट पे अपन ये जॉइंट कर दिए हैं। यहाँ पे आप कुछ भी टेप वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, सावधानी का ध्यान रखें बस। ये आपने ये हो गया, अब एक वायर हम यहाँ बांध देते हैं, यही वायर को हम ले लेते हैं, एक वायर को हम इधर ऊपर में बांध देंगे, ठीक है। वीडियो को बस आप ध्यान से देखिए, आप इसको घर पे इजी तरीके से बना सकते हैं, और इसमें से बहुत ही जल्दी वाटर हीटर से बहुत ही जल्दी पानी ये गर्म हो जाता है। आप देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो गया है, मैं इसमें पहले आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ, ये बहुत ही जल्दी क्या है हीट होता है। देख सक रहे हैं धुआं निकल रहा है, बहुत ही जल्दी रेड हो जाता है। देख पा रहे हैं आप, बहुत ही जल्दी लाल हो जाता है, जिसके कारण पानी बहुत ही स्पीड से ये गर्म होगा, ठीक है। हमारे पास ये वाटर आ गया है, अब इसको ऐसे करके ऐसे डुबा दीजिए। आप एक काम याद रखिएगा कि जो आपका कॉइल है, कॉइल पूरा अंदर पानी में डूबा रहना चाहिए, ठीक है। कॉइल को पूरी तरीके से पानी में डुबा के रखेंगे तभी आप अच्छी तरीके से गर्म होगा और कॉइल जलेगा नहीं। अगर कॉइल देख सक रहे हैं अभी बुलबुला आना स्टार्ट हो गया, कॉइल अगर बाहर रहेगा तो लकड़ी को भी जला देगा और कॉइल भी जल के टूट जाएगा, तो आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। तो
कॉइल को पूरा पानी में डुबा के रखे। यहाँ भी इसको अभी छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप छूंगेंगे इसको करंट मारेगा। अभी आप थोड़ी देर तक जैसे इसमें अब हम इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप दोनों साइड में आप देख रहे हैं इस टाइप से ये वायर है, इसको पानी को आप अभी टच ना करें। आप देख पा रहे हैं दोनों साइड पे अभी ये वायर है, दोनों साइड पे वायर बंधाई हुई है, दोनों साइड से टाइट वायर बांध रखें। और जो ये पीवीसी वाली वायर है इसको कॉइल के साथ टच ना रखें, उसको कॉइल से दूर रखें।